राजीव जी ऐसे नेताओं की लंबी फेरिस्त है, जो आपने भ्रम फैलाया, रोहन हो तो भ्रम का खेड़ा हो, मतलब लंबी फेरिस्त है। अब रोहन बेचारे तो जानते उनको, पूछो तुम गए अयोध्या उसके बाद, अब तो तुम्हें छूट थी, कोई दर्शन करने नहीं गए वो, तो ये एक बहाना बना लिया कि राम मंदिर का बहाना। हम तो कहते हैं कि खड़गे जी का स्टेटमेंट था कि जो कांग्रेसी दर्शन करना चाहे, उन्हें जाना चाहे वो जाए। हाँ, उस फंक्शन के लिए उन्होंने नहीं जाने का फैसला किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था, जनता के पैसे से बना था, लेकिन उसको भाजपा का फंक्शन बना दिया गया था उस कार्यक्रम। आपको नहीं लगता कि यही अवसर मिल गया बीजेपी को कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का देखिए बायकॉट कर दिया कांग्रेस? इसलिए उस कार्यक्रम का सिर्फ बहिष्कार था, राम मंदिर का बहिष्कार नहीं है। भगवान राम की पूजा तो सारे कांग्रेसी करते हैं, जितनी पूजा पाठ कांग्रेसी करते हैं ये भाजपा वाले करते ही नहीं है। लेकिन कांग्रेसी जब पूजा करने जाता है कि घर में करे या बाहर करे तो कैमरा साथ नहीं ले जाता, कैमरा के साथ नहीं पूजा करने जाता, ये सब कैमरे के साथ पूजा जाता ताकि इन्हें दिखाना है कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमें वोट दो। कांग्रेसी दिखाता नहीं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो गुरुद्वारे में जाए, मंदिर में जाए, कहीं जाए, वो कैमरा लेके नहीं जाता। चलिए अच्छी बात है, आप ये स्वागत कर रहे हैं इस बात का, बता भी रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता गए। आप गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या? देखिए, जो रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो रोज ही घर पर रामलला के दर्शन करते हैं, सब जो है ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, ये एक निजी चीज होती है। और जैसे होगा वो दर्शन करने जाएंगे, भगवान राम तो सब जगह, आप देखो ना कि जहाँ राहुल जी और प्रियंका जी जाते हैं, जो भी मंदिर वहाँ होता है सब जगह जाते हैं, विंध्यवासिनी माँ के मंदिर में जाते हैं, हर मंदिर में जाते। राहुल जी जो है कैलाश पर्वत गए, वहाँ जाके उन्होंने भगवान शंकर के उसके स्थान के दर्शन किए, वो जो है यहाँ पे वैष्णो देवी गए, कितने मोदी, मंदिर। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार मंदिर मंदिर जाना छोड़ दिया राहुल गांधी। कितने मंदिर राहुल जी और प्रियंका जी गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के कोई नेता गए होंगे। तो ये तो एक सिर्फ राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। चलिए, वक्त की कमी आपके पास भी है, आपको हिमाचल प्रदेश निकलना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। और हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ तो मंडी सीट इस बार बड़ी चर्चा में है। कंगना रनौत जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनके भाषण आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं, सुने होंगे आपने राजीव जी, बड़ी बड़ी बातें वो कर रही हैं, युद्ध रुकवा दिया और इस तरह की तमाम बातें कंगना रनौत की तरफ से जो कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि एक मजबूत दावेदारी उनकी तरफ से पेश की जा रही है, कड़ी टक्कर वो इस बार कांग्रेस को देती हुई नजर आ रही है? मैं किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, कंगना रनौत जी के भी मैं खिलाफ नहीं हूँ, हम हमेशा सम्मान करते हैं। हमने विक्रमादित्य सिंह को उतारा है, जो बहुत अनुभवी और एक बहुत ही जो है संजीदा राजनीतिज्ञ है। अब अगर कंगना रनौत जी के बयान को लेकर आप मजाक बना रहे हो, बता रहे हो, तो मैंने भी सुना कि भाई, तो वहाँ की जो जनता है उसने कहा कि यार संसद भेजना है। जिस महिला को ये नहीं पता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, बच्चे बच्चे को पता है कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे, जो ये नहीं जानती हैं कि क्या फर्क है तेजस्वी सूर्या और तेजस्वी यादव में, वो तेजस्वी सूर्या को गालियां दे रहे हैं कि गुंडा है तेजस्वी सूर्या, मछली उठा उठा के खाता है, हैं तेजस्वी सूर्या बेचारा वहाँ बंगलौर बैठा परेशान हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो भाजपा के लोग परेशान, तो जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो कुछ भी बोल रही, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, उनको संसद में भेजना चाहिए या ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जिसे सब ज्ञान है, जो बहुत पढ़ा लिखा समझदार है, इस समय हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है और अपनी मिनिस्ट्रीजों को छोड़ के और वो चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पे गए हैं ताकि उस मंडी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वीरभद्र सिंह जी की एक पूरी जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक राजनीतिक अनुभव की पूरी पारिवारिक। लेकिन तो कंगना रनौत ये कह रही हैं कि चुनाव मैं थोड़ी लड़ रही हूँ, मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी हमारी सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर मैं चुनाव जीतूंगी। देखो, ये बहुत बड़ी समस्या बन रही है भाजपा की। भाजपा के ज्यादातर प्रत्याशी अपने आराम से बैठे हैं कि मोदी जी आएंगे और जिता देंगे। वो मोदी जी के भरोसे बैठे, खुद कोई काम ही नहीं कर रहे, वो जो है मोदी जी के भरोसे बैठे हैं। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय ऊपर भी है कि मोदी जी आएंगे जिता देंगे, बाकी हम क्या करें। तो वो जो है ये बड़ा विचित्र होता है। कांग्रेस का तो जो कैंडिडेट है रात दिन दौड़ रहा, मेहनत कर रहा, सब कुछ कर रहा, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट रात दिन मेहनत कर रहे, दौड़ रहे, वो आराम से बैठे हैं कि देखो मोदी जी आएंगे जिता देंगे, वो कोई जादू की पुड़िया लाएंगे उसमें जिता देंगे। बेचारे मोदी जी पे क्यों तुम इतना बोझ डाल रहे हो, हर चीज़ मोदी जी करें क्या?
तुम भी तो कुछ करो, तो वो भी मोदी जी के भरोसे बैठी हैं, तो हम उसके लिए क्या करें। अच्छा राजीव जी, आप तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनके भी काफ़ी करीबी हैं। कंगना रनौत एक बात और कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन इस देश में जितने पॉपुलर हैं वैसे ही कंगना रनौत भी हैं, मानते हैं आप? देखिए मैं ये मानता हूँ कि अमिताभ जी का बहुत ऊंचा स्थान है, ये दावा करना किसी के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री में कि मैं अमिताभ बच्चन के बराबर हूँ उचित नहीं। अमिताभ जी को एक पुरोधा माना जाता है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का, और अमिताभ जी हंसी हंस दिए होंगे इस बयान पे, मुझे ऐसा अंदाजा है, मेरी तो बात नहीं हुई है लेकिन मुझे लगता है कि हंसे होंगे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री हंसी होगी। तो क्या बोलती कंगना जी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वरना उनके इतने बयान हैं कि एक पुराण लिख जाए कंगना पुराण अगर आप शुरू करें तो।